आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रायपुर में नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस को सीएम ने किया संबोधित, पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे सीएम भूपेश बघेल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा पहुंचे जगदलपुर, भाजपाइयों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया जोरदार स्वागत। नारायणपुर में बीजेपी नेता को नक्सलियों ने मारी गोली, 5 दिन में भाजपा के दूसरे नेता की हत्या। रायगढ़ में जारी है किसानों का आंदोलन, 3 मुख्य मांगों को लेकर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जगदलपुर में गुंडाधुर की स्मृति में मनाया गया भूतकाल दिवस, कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री कवासी लखमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम भूपेश बघेल सरगुजा दौरे पर रहे, जहां वो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि विधि वक्ताओं से सलाह लेकर आगे इस मुद्दे पर विचार करने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में एनपीएस और ओपीएस को लेकर असमंजस की स्थिति पर कहा कि जो एनपीएस चाहते हैं वो एनपीएस में रहें और जो ओपीएस चाहते हैं वो ओपीएस में रहें। विवाहोपरांत जो प्रीति भोज दिया गया था उसमें शामिल होने का होने के लिए मैं आया था और दोनों वर वधुओं को खूब आशीष, बधाई, शुभकामनाएं। शादी में तो मैं इसलिए उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि कश्मीर में था उस दिन, खूब बर्फबारी हुई तो कोई निकल ही नहीं पाया, फिर दूसरे दिन निकले तो फिर उसके क्षतिपूर्ति के लिए फिर यहाँ आना पड़ा। राज्यपाल को मतलब आरक्षण के मुद्दे पे जो हाई कोर्ट है उन्होंने स्थित कर दिया, तो अब आगे आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? अब वो जो विधिवेत्ताओं हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस अंतिम बजट सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा, जिसको लेकर कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट भी शासन को सौंप दी है। एक कमेटी का गठन किया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, वो रिपोर्ट हमारे शासन तक के पहुंच गया है। अब क्योंकि 2 साल कोरोने में बीत गए और प्राथमिकताएं बदल गई थी और उसके कारण से हम लागू नहीं कर पाए थे, लेकिन ये अंतिम बजट सत्र है और निश्चित रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून हमारे यहाँ हम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जगदलपुर के बस्तर पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर बस्तर सहित समूचे छत्तीसगढ़ निवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। रायगढ़ में गौतम अडानी की कंपनी आरईजीएल में किसानों के आंदोलन को 6 दिन हो चुके हैं। आंदोलन के समर्थन में कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल के करीबी क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य आकाश मिश्र भी कंपनी के खिलाफ सड़क पर उतर आए, तो वहीं बीते 2 दिनों से पुलिस और जिला प्रशासन की मध्यस्थता से मामले को सुलझाने का कोशिश की जा रही है। बता दें कि आंदोलनरत ग्रामीणों की संख्या की 3 मांगे मुख्य मांगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। हड़ताल स्थल पर पुलिस जिंदाबाद, ये पुलिस प्रशासन की
कहीं पर भी हड़ताल स्थल पर नहीं होती है। ये पहली स्थिति है ये छोटे भंडार में। कृषि प्रशासन हमारी जनता की साथ दे रही है और न्याय कर रही है। ये इसी कारण है कि पुलिस प्रशासन जिंदाबाद की नारा लग रही है। पामगढ़ में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 76 आपराधिक मामलों में राजीनामा के आधार पर निराकरण कर पक्षकारों को लाभान्वित किया। इसके साथ ही मोटर व्हीकल से संबंधित मामलों समेत कुल 194 मामलों का निराकरण भी किया गया, जिसके बाद विधिवत सुनवाई शुरू हुई, जिसमें एक पक्षकार ऐसा भी था जो लीवर की बीमारी से ग्रसित था, जो कि गाड़ी के माध्यम से कैंपस तक आए लेकिन गाड़ी से नहीं उतर पाए। बाद में पीठासीन अधिकारी खुद अपने चैंबर से गाड़ी के पास आए और उनसे जानकारी ली। नारायणपुर में पुलिस ने भूमकाल सद्भावना दौड़ का आयोजन किया, जिसमें भूमकाल वीर गुंडाधुर के वीरता को याद किया गया। बता दें कि दौड़ कार्यक्रम का आयोजन बालक हाई स्कूल ग्राउंड में किया गया है। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी सम्मिलित रहे। भूमकाल सद्भावना दौड़ आयोजित किया गया था, जो कि 2 किलोमीटर का था, जिसमें शहर के जो युवा पीढ़ी है, युवा जनता है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे शहर के गणमान्य नागरिक और कलेक्टर साहब ने भी आए इस आयोजन में। उन्होंने शहीद वीर गुंडाधुर को की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी वीरता के बारे में पूरी नारायणपुर पुलिस ने और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उनको स्मरण किया। शहीद वीर गुंडाधुर आज से 1910 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बस्तर में लड़ाई लड़ी थी। रायगढ़ के थाना घरघोड़ा के भेंगरी गांव में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, तो वहीं बाकी 2 लोगों को रायगढ़ जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। जो भेंगारी गाँव है, वहाँ पर TRN कंपनी के जो कर्मचारी किराए से रहते थे, उनके किराए के जो मकान है, जो कमरा है, वहाँ पर संभवतः किसी चिंगारी वाली वस्तु से, लाइटर से, पहले से जो घरेलू गैस की टंकी है वो रिस रही थी, बता रहे हैं, उससे गैस, और उससे एक धमाका हुआ है जिसमें काफ़ी डैमेज हुआ है, छत वगैरह डैमेज हो गई है और 3 लोग इसमें चपेट में आए हैं। वहाँ पर रहने वाले जो कृष्णा यादव, राजू यादव नाम के युवक हैं, जो TRN के शीनू कंपनी में काम करते थे, TRN कंपनी के, वो दोनों तो नारायणपुर में नक्सलियों ने BJP के जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने उन्हें कुछ महीने पहले चेतावनी दी थी। बता दें कि इस वारदात से पहले भी एक BJP नेता की हत्या हुई थी। बता दें कि नारायणपुर SP पुष्कर शर्मा ने घटना की पुष्टि की है। शहीद गुंडाधुर के स्मृति में भूमकाल दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा भी पहुंची। साथ ही आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है और प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि शहीद गुंडाधुर ने आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजी की हुकूमत के खिलाफ भूमकाल आंदोलन की शुरुआत की थी। भाग में हमारे जो वीर महापुरुष थे गुंडाधुर की, जो स्मृति दिवस है, पूरे बस्तर जिले के आदिवासी समुदाय के लोग जगह जगह पर उपस्थित होकर शौर्य दिवस मनाने का काम करते हैं। इस अवसर सभी बस्तर वासियों को हमारे जल, जमीन, जंगल बचाने के जो वीर नेता रहे गुंडाधुर, उनके विचारों से सहमत होकर उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश। आदिकाल से पैदा वो आदिवासी के जंगल को छीनने का काम कर रहे थे, वनोपज को छीनने का बात कर रहे थे। एक जंगल में, छोटा सा गांव में, नेता नाम में पैदा होकर एक तीर धनुष लेके
अंग्रेज हुकूमत को जंगल के प्रति, बस्तर को जंगल को बचाने में अकलतरा में नाबालिग युवती लापता हो गई, जिसकी शिकायत युवती के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। तो वहीं पिता ने तहरीर में अज्ञात व्यक्ति ने युवती को भगा कर ले जाने की शंका जताई है। पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद लापता युवती को अहमदाबाद से एक व्यक्ति के साथ बरामद कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक ने शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर युवती का अपहरण कर लिया था। तो वहीं अब आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।